पूरा विश्व में हमारा देश जो है विश्व गुरु बनने वाला है, वो शायद मोदी जी की वजह से होने वाला है। ये काम भी जरूर होगा, इसीलिए हमें और कुछ इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। आप हमारे तिरंगा के सम्मान के लिए, देश के आन के लिए, धरती तो क्या पूरा आसमान में भी लिख दो कि हमें कमल का फूल ही खिलाना है और मोदी जी को ही आगे भी प्रधानमंत्री बनकर रहना है। और आपको कमल का फूल पर बटन दबाकर 12 तारीख को हमारे हरीश जी को जिताना है। या वादा के लिए जिताएंगे कि नहीं? आप सब हाथ उठाओ तभी हम मानेंगे। और कितनी भी गर्मी तो बहुत है भाई, देखा अभी मुझे भी बहुत पसीना बहुत आ रहा है, कहीं पे भी उतरे तो पसीना से पूरा बाल बिल भीग जाता है। लेकिन ये मुश्किल तो है ये, लेकिन आप सबको चुनाव में जाना चाहिए। और आपको और अभी इधर जितने भी आए हैं, मुझे थोड़ा कम लग रहा है, और भी आना चाहिए था, वो शायद गर्मी है। अच्छा ठीक है, तो मैं चाहूंगी कि 12 तारीख को आप सब जाइए। एक दिन थोड़ा सा तकलीफ होगा, जरूर जाकर आप कमल कपूर पर बटन दबाकर जिताइए हरीश जी को, ताकि आप एक मजबूत सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस लाने में मदद करेंगे। यही कहने के लिए आई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत साथ जुड़कर कई जगह गई हूँ चुनाव में प्रत्याशियों के लिए, उनको जिताने के लिए, उनसे बात करने के लिए। जिताने का क्या, आपको अपने आप को मालूम है क्यों जिताना है। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। मैं भी इसीलिए जुड़ी हूँ कि ये एक ऐसी एक पार्टी है, किसी खास जाति वर्ग या धर्म की नहीं, सबकी पार्टी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर, सबके लिए अच्छा काम करने की ही एक विचार के साथ आई हुई एक बहुत ही बढ़िया पार्टी है। इसीलिए मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं कला क्षेत्र में ही बहुत बिजी अभी भी हूँ और वहीं पर भी मैं रह सकती थी, लेकिन मेरा बहुत मन था कि मुझे भी राजनीति में जुड़कर लोगों के लिए कुछ सेवा करने की थी। ये मेरा भी कर्तव्य बनता है। जो कलाकार बहुत नाम बना लेते हैं अपना, उनकी बात बहुत सुन। चालू बना वीडियो है, देखो। बोलो पंके बिहारी लाल की। धन्यवाद। शायद मैं मथुरा के सांसद हूँ, इसीलिए बार बार बांके बिहारी लाल जी की याद की जा रही है। बहुत खुशी हुई कि हमारे आते ही भगवान श्री कृष्ण की याद आती है, तो बहुत बहुत ही अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी होती है। मैं पहले चालू बना वीडियो देखो। बोलो बांके बिहारी लाल की। धन्यवाद। शायद मैं मथुरा के सांसद हूँ, इसीलिए बार बार बांके बिहारी लाल जी की याद की जा रही है। बहुत खुशी हुई कि हमारे आते ही भगवान श्री कृष्ण की याद आती है, तो बहुत बहुत ही अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी होती है। मैं पहले मुझे भी लगा कि मेरे कहने पर कुछ बदलाव हो सकता है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक कलाकार हूँ। लेकिन सच्चे मन के साथ इस पार्टी के साथ जुड़कर काम करने का मन था, इसीलिए मैं जुड़ी हूँ। और मुझे आज गर्व है कि मैं ऐसे एक पार्टी के साथ जुड़ी हूँ जो बहुत ही बहुत अच्छा काम करती आ रही है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में। एक समय ऐसा था कि जब मैं चुनाव करती थी 10 साल पहले, एकदम गड़बड़ था, तो लगता था कि अभी क्या होने वाला है, देश का क्या हाल होगा, क्या होगा। आया, आते ही एकदम मोदी जी की लहर आई और आप सबने मिलकर मोदी जी को चुन लिया, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। इसके लिए मैं आप सबकी बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ और प्रार्थना भी करती हूँ कि आप लोगों ने कमल खिलाया, सरकार हमारी बनाई और हमें इतनी शक्ति दी आपने कि विरोधी दल कांपने लगे हैं। अभी और 5 साल देकर हमें इस देश को मजबूत करने में सहायता करेंगे, फिर से आप सब लोग मिलकर कमल का फूल खिलाएंगे। यही कहने के लिए मैं आई हूं।
बाकी तो मोदी जी ने क्या किया है क्या नहीं किया है आप सब जानते हैं, पूरा बच्चा बच्चा इस देश का जानता है। अभी भी हरीश जी ने कितनी अच्छी तरह से बताया आपको कि हमारे प्रधानमंत्री क्या क्या किया है। शायद हम उसी बात को वापस दोहराएंगे तो लगेगा कि हम एक ही बात कह रहे हैं। मेरा यही विचार है और मैं जो देखती आ रही हूं कि हमारे प्रधानमंत्री आकर पूरा देश का बदलाव लेकर आए हैं। इनकी उनकी वजह से, उनकी पूरी मेहनत की वजह से, उनको उनकी कोई जरूरत नहीं है। वो एक गरीब परिवार से जुड़े हुए इंसान थे, तो वो गरीब क्या, पिछड़े वर्ग के लोगों का, किसानों का, महिलाओं का, इन सबकी जो पीड़ा है वो सब जानते हैं। जब वो प्रधानमंत्री बने तत्पर उन्होंने जो जो सुविधाएं देनी चाहिए सब कुछ दिया। जो पिछले कई सालों से 60-70 साल से जो कांग्रेस सरकार रही है उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। जो देश हमारा पिछड़ा वर्ग का होने लगा कि लोग कहने लगे कि ये तो हिंदुस्तान जो है और पीछे है, लेकिन उस नाम को उन्होंने बदल कर लेकर आया। आज चौथा नंबर पर है हम, हमारा भारत देश। इसका पूरा मुख्य कारण है हमारे प्रधानमंत्री जी। और देश देश गए, हर जगह अमेरिका, जापान, रशिया, सब जापान, हर जगह चीन, सब जगह जाकर उन्होंने बताया हमारा देश क्या है। यहाँ तक कि उन्होंने योगा का भी एक पर्टिकुलर दिन चुनकर पूरा वर्ल्ड में वो योगा किया जाता है। हमारी जो हिंदुस्तान का जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसे देकर समझाया। वैसे भी लोग बहुत ही प्रभावित हैं हमारे हिंदुस्तान। हर बस्ती के लिए कुछ काम रह गया, वैसे ही मेरा भी कुछ काम रह गया। मैं उसे पूरा कर ही मैं भी जाऊंगी। इसीलिए वापस इस बार भी मैं चुनाव में खड़ी हूँ और मुझे पूरा विश्वास है हम मोदी जी के साथ, मोदी जी का भी साथ दूंगी और मैं भी जीतूंगी और जरूर मोदी जी को भी जिताने में मैं भी सहायता करूंगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इसीलिए वापस मैं खड़ी हूँ। और मुझे मेरा भी मन भी ये भी था कि मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इस वक्त पूरा देश में बदलाव आ रहा है, हमारे अर्थव्यवस्था इतनी घट गई थी, इतना खराब हो गया था, गरीब और गरीब हो गए, भ्रष्टाचार और बढ़ गया, इतना खराब हो गया था। हाँ, वो सब मिट गया। अभी मोदी जी ने पूरा बदलाव लेकर आकर आज हमारे देश को एक ऐसे एक स्थान में लेकर आए हैं कि पूरा विश्व हमारे ऊपर पूरा गर्व के साथ देख रहा है कि ये भारतवासी हैं। हमें कहीं पे भी जाने से लोग खुश होते हैं कि ये हिंदुस्तान से आए हैं। ऐसा है कि नाम दिया है मोदी जी ने, इतना ही नहीं सुरक्षा भी कितनी दी है। हमारी कोई सुरक्षा नहीं थी, कहीं पे भी बॉम्ब फूट जाता था, आतंकियों का हिंसा से बहुत ही पीड़ित थे। मुंबई का भी आप देख सकते हैं, आपका मालूम है ना मुंबई में कितना बड़ा हादसा हुआ था, उसमें कितने बेचारे लोग, मासूम लोग मर गए थे। लेकिन उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, कुछ भी नहीं किया, कोई कदम नहीं उठाया आतंकियों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन अभी जो हुआ था हादसा पुलवामा में, मोदी जी ने 13 दिन के अंदर उन्होंने जवाब दिया, ईंट का जवाब पत्थर से दिया। ऐसा प्रधानमंत्री कहीं मिलेंगे नहीं कभी भी किसी को। आगे भी हमको भी सोचना पड़ेगा कि मोदी जी को रहना चाहिए, काफी काफी सालों तक उनको देश को आ गया था, पता ही नहीं चला कि हम क्या है, इस देश के वासी हैं, ऐसा एक प्रश्न भी आने लगा। लेकिन पुनः मोदी जी ने उसको वापस लेकर आया कि हमारा देश कितना महान है, जिसको देखने के लिए विदेश से लोग आते हैं। मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, सांसदीय क्षेत्र है मथुरा एक भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, भगवान के कृष्ण के रचाई हुई बहुत सारी लीलाएं हैं उधर, उसको देखने के लिए कितने लोग विदेश से आते हैं। तो ये एक बहुत जरूरी होता है कि ऐसे एक जगह को एक टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाकर बहुत ऐसा सुंदर रखना चाहिए कि लोग आए और खुश हो जाए यहाँ पर, और उनको एक झलक भगवान की भी दर्शन भी मिले। बहुत सारे मंदिर हैं लेकिन ऐसा नहीं था। इसीलिए मुझे बड़ा मन था कि मैं कृष्ण के भक्त होने के नाते मैंने बोला मुझे जाकर मथुरा में ही सांसद बनकर यहाँ का पूरा बहुत कुछ करना है। मैं सांसद के रूप में बहुत